हेलो, हाय सर, जी, बताइए। आई एम 15 ईयर ओल्ड. आई एम फ्रॉम कवर्धा, छत्तीसगढ़. ओके। और मुझे ये पूछना है कि अभी मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ, तो मुझे आफ्टर 12th क्या करना चाहिए और मैं बॉलीवुड में कैसे आऊँ? देखो, अभी सबसे पहले आप अपनी स्टडी फोकस करिए, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, ऐसा मत सोचिए मुझे बॉलीवुड में आना है तो मैं जो बताऊंगा वो सब्जेक्ट आप लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसमें आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को लेकर आप पहले अपनी स्टडी पूरी कंप्लीट करिए। अगर आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो आप साथ में अपना एक्टिंग पे भी थोड़ा बहुत काम करते रहिए, यस सर, मैं डेली ठीक प्रैक्टिस करती हूँ. है। बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए एक्टिंग, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं स्टडी कंप्लीट करूंगी फिर उसके बाद कोई कोर्स ज्वाइन करूंगी उसके बाद मैं एक्टिंग सीखूंगी फिर बॉलीवुड में काम करूंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, टाइम लगता है। तो आप यस अगर सर, आप पीछे आप पहली बात बहुत अच्छी बात है कि आप अभी से जागरूक हो कि हाँ मुझे एक्टर बनना है, आपका फ्यूचर क्लियर है कि भाई मुझे यस स्टडी सर, करने के बाद मुझे ये करना है। काफी लोग को नहीं पता होता है, यस उनको सर. बाद में समझ आता है मुझे भाई ये करना था। आप पहले से पता है तो आप सबसे पहले आपको अभी से 1 घंटा निकालो, आधे घंटे निकालो, लेकिन आपको निकालना है टाइम और उसके लिए पूरा देना है 100%। आप आधे घंटे दो, वो आधा घंटा ना बहुत काम देगा आपको। जब तक आपकी स्टडी कंप्लीट सर, होगी ना आप एक परफेक्ट। घर में कैमरा फेस कैसे करना सीखे? कैमरा फेस करना कैसे देखो सीखे? कैमरा फेस बहुत, अभी आप मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कैमरे बात कर रहे हो, ठीक है, कितने सारे लोग हमें देख रहे हैं, ठीक है। तो यस अभी हाँ, तो हमने बात की, अभी आपको एक बार थोड़ा लगा हुआ, फोन उठाते हो थोड़ा, आपको यार उठाऊं कि ना उठाऊं हुआ हो ना कि यार फोन आ गया, सर, थोड़ा बार बार ठीक किए होंगे, चलो अब उठा लेते हैं, होता है यस सब कुछ सर, होता है। तो हर जगह होता है, हम शूटिंग जाएंगे वहां भी ऐसा ही होगा। तो ये धीरे धीरे होगा, आप जितना हो सके ना, मतलब जो भी वीडियोस, मैं ये बोलता हूँ आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो अपना खुद का, आप जो स्टडी कर रहे हो उसके ऊपर ही बताओ, कोई देखता है या नहीं देखता है वो हमारे मैटर नहीं करता है, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर 10 लोग भी देख रहे हैं मिरर के नहीं, सामने बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ, मिरर के सामने बहुत प्रैक्टिस करती हूँ. वो तो आपको करना ही करना है। साथ ही साथ आप एक ऐसा कुछ करो जहां पे पब्लिक आपको देख सके। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, आप वहां पे वीडियोस एक्टिव रहो। इसलिए मत रहो कि लोग मेरे को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसलिए मत सोचिएगा कि मेरे को कोई देख नहीं रहा है, कोई मेरे कमेंट नहीं कर रहा, इसलिए नहीं। आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, आपको जितने हो सके दिन में आप टारगेट बनाओ, मुझे रोज ना एक वीडियो बनाना है, चाहे आप यूट्यूब पे अपलोड, चाहे इंस्टाग्राम पे अपलोड करो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वो धीरे धीरे जाएगा। अगर आप सोचोगे नहीं यार मेरे एक दिन में जाएगा तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस यस सर, करो, वीडियोस बनाओ, दिखाओ लोगों, पहुंचाओ, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कमियां निकालेंगे, लोग कमेंट करेंगे कि यार आपने बनाया बट आपकी आईज अच्छी नहीं है, आपका ये अच्छा नहीं है, आपका ये, मतलब बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आएंगे, अच्छे कमेंट भी आएंगे, तो उस पर आपको वर्क करना है। अभी हम लोग मिरर प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमारी कमियां क्या है, यस जब वो सर, वीडियो आप किसी को भेजोगे फॉरवर्ड करो तो लोग खुद बताएंगे यार तेरा सब कुछ अच्छा है, जब तू बोलते हैं तेरी आंखें छोटी हो जाती हैं या आईब्रो ऊपर नीचे होती हैं, तो उससे आपको आइडिया मिलेगा, अच्छा ये मेरी कमी है, आप नेक्स्ट टाइम बनाओगे तो इम्प्रूव करोगे उसमें, ठीक यस है। सर. तो और बस थोड़ा धीरे प्रोड्यूसर धीरे से हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं सर, क्योंकि मैं देखो छत्तीसगढ़ से हूँ तो बहुत दूर है मेरे लिए. देखो दूर कुछ नहीं होता है, मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे पता है यहाँ पे ना बाहर अपनी कंट्री बाहरी कंट्री के लोग आगे काम करके चले जाते हैं, यस ठीक है। सर, दूर से तो कोई मतलब नहीं है आपका, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, आप कहीं भी हो अगर आपका सिलेक्शन हो गया, जो भी आपको सिलेक्ट करता है प्रोडक्शन हाउस या कास्टिंग एजेंसी, वो आपको खुद बुलाएगा क्योंकि तो उनको सर जरूरत ये है। हम कैसे जानेंगे कि वो प्रोडक्शन हाउस सही है? देखो जानने का, जब भी कोई अगर आपसे प्रोडक्शन हाउस पैसे की डिमांड करता है, कुछ भी एक भी चीज की डिमांड करता है थोड़ी सी भी, तो आप समझ जाओ फेक है, आपको इतना समझना है। मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे रोज कॉल आते हैं सर मेरे से 10,000 मांग रहे हैं, मेरे से बालाजी से फोन आ रहा है, मेरे को यशराज से फोन आ रहा है, भाई उनके पास इतना टाइम नहीं है आपको फोन करने का, जो भी फोन आपको आ रहे हैं यशराज बालाजी वो सब फेक है, कोई जेन्युइन नहीं है, ठीक है। आपको जो मैं बताता हूँ, मैं जो भी ऑडिशन अपडेट है मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ चैनल की, वैसे यस सर, बहुत मैं आपके सारे सारे वीडियोस देखती हूँ और थैंक यू, बहुत ज्यादा थैंकफुल है आपका वीडियोस. जी। तो मैं और वो ये बहुत जो अच्छी गाइडलाइन है हम जैसे फ्रेशर्स लोगों के लिए. सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस सच अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन. हाँ, देखिए हमारे तो चैनल मैंने इसलिए बनाया कि आप कुछ सीख सको, जो भी कहीं पे भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब काफी लोग चैनल में देखा, यूट्यूब चैनल वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए है, आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देंगे तो आपसे पैसा ले रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन करो, मेरा ऐप डाउनलोड करो, ये तो हमारा ऐसा कुछ भी काम यस नहीं। जब भी मेरे को थोड़ा वीडियो में कभी जल्दी लाता हूँ कभी लेट ला पाता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करता हूँ। अभी काफी रिक्वायरमेंट्स आई, मैं शाम तक एक वीडियो डालने वाला हूँ तो उसको आप जरूर देखिएगा, उसमें काफी रिक्वायरमेंट्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो।
और देखिए बात मैं आपको ये बोलना चाहता कि कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, आप ये मत सोचो कि आप छत्तीसगढ़ से तो आप काम नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे एक्टर हैं, ऐसे जो मेरे मतलब खुद मैं जानता हूँ इनको, जो बहुत दूर उड़ीसा से थे, कहाँ से थे, उन्होंने वहां से आके काम किया और वापस मुंबई से वापस गए। तो आप छत्तीसगढ़ बहुत दूर नहीं है, आप आओ काम करो, काम खत्म हो गया वापस घर चले जाओ, फिर दूसरा काम आए आपने काम किया वापस घर चले गए अपनी स्टडी करने। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं, बट यस उसके यस लिए आपको अपनी एक्टिंग अच्छी करनी पड़ेगी। जितनी अच्छी एक्टिंग होगी तभी कोई आपको वहां से बुलाएगा। अगर आपकी यस एक्टिंग अच्छी नहीं होगी तो आपको क्यों कोई बुलाएगा वहां से, क्यों पैसे खर्च करेगा फ्लाइट के, सब कुछ रहने का, सब कुछ अरेंज क्यों कराएगा। तो यस सर आपको जो क्वालिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी तभी कुछ बुलाएगा। ठीक है, बाकी कुछ भी दिक्कत है, अभी थोड़ा लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, तो हमारा नंबर आपके पास आएगा, मेरी वीडियोस प्रोफाइल सब सब भेजा है। भेजा ना, तो जैसे हमारी टीम फ्री होगी तो आपको रिप्लाई आ जाएगा, हमारे आपकी प्रोफाइल हमारे पास सबमिट हो जाएगी, फिर आपके एज के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट आएगी हम लोग यहाँ से खुद ही फिल कर देंगे, आपको करना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बस अभी आप जो अपने कैरियर फोकस करिए, अपनी स्टडी अच्छे से कंप्लीट करिए और थोड़ा बहुत एक्टिंग के लिए टाइम निकालिए, करते रहिए, थोड़ा टाइम जाएगा। ठीक है, और कुछ भी सर डाउट हमें तो डायरेक्ट कॉल एक्टिंग करिए। के लिए कॉलेज कौन सा ज्वाइन करना चाहिए? देखो मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि अभी कोई भी कॉलेज आपको सोचना नहीं है, अगर आपने ये माइंड में ला लिया ना कि मुझे कॉलेज ज्वाइन करना है, एक्टिंग सीखनी है, तब जाके मुझे एक्टिंग में कैरियर बनाना है, तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्टिंग कोई आपको सिखा नहीं सकता है, एक्टिंग आपके अंदर है। ठीक है, तो पहले ये तो निकाली दो कि मैं एक्टिंग सीखूंगी तो उसके बाद एक्ट्रेस बनूंगी, पहले खुद से, जब खुद से नहीं हो पाता है तो बहुत सारी एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो। पहली बार तो स्टार्ट कर रहे हैं, पैसे लेने कुछ भी नहीं, 0% पड़ता है, दूसरी सीख लिया अपने स्टेट में, छोटी छोटी एक क्लास भी ज्वाइन करो, पहले एक बार थोड़ा बहुत सीखो वहां से, पहले ही आप लाखों दूसरों के पास खर्च कर दोगे, जो सिखाएंगे वो आपको वहां पे भी सिखाने वाले, ट्राई करो छोटे मोटे सीखो समझो, थोड़ा बहुत आइडिया आएगा, फिर कोई दूसरी एक क्लास ज्वाइन। ठीक है, यस सर बस पैसे इन्वेस्ट मत करिए, अगर आपको एक्टर बनना है, अगर आपने सोच लिया कि आपको ये सोचना है कि मैं बिना पैसे इन्वेस्ट के एक्टर एक्ट्रेस बन के दिखाऊंगी, तभी आप बन पाओ। ठीक है, ठीक है, आप कुछ भी है तो आप मुझे कॉल करो, नंबर आपके पास है, हमारी टीम कॉल करो, जो भी हेल्प होगी आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड लक। सर।